वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. दिस इज नीलोफर नाइल एंड दिस इज वीडियो नंबर 9 फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो गाइज, आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हम, जिसका नाम क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये थ्योरी 1902 में किसने दी थी हमें, वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवेरी ने दी थी. सो आज की क्लास में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसको समझेंगे अच्छे से. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को सो डैट यू गेट मोर वीडियोस. ओके, सो क्रोमोसोमल थ्योरी समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये किसे कहते हैं. ये देखिए, ये क्या है, सेल है. ओके, सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट सी बॉडी नज़र आती है, ठीक है, डार्किश सी, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. अब इस न्यूक्लियस को भी हम अच्छे से और अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखें, मैग्नीफाई करके, स्टेन करके, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, थ्रेड लाइक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम. तो आपसे कोई भी पूछे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका मेनली फंक्शन क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. क्रोमोसोम समझ लीजिए, क्रोमोसोम मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स प्लस डीएनए. ओके, सो नाउ यू नो वेयर आर क्रोमोसोम प्रेजेंट एंड व्हाट इज क्रोमोसोम. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. अब थ्योरी पे फोकस करते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है. ओके, इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग से ही मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट करा पी प्लांट के ऊपर, जो 1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने करा था. फिर अपने वर्क को उन्होंने एक ऑब्स्क्योर जर्नल में पब्लिश करा था 1866 में, जिसका सर्कुलेशन काफ़ी लिमिटेड था और मेंडल के वर्क को पहचान नहीं मिली. उसके बहुत सारे रीज़न थे, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशली एक वीडियो बनाई है. अगर आप दोबारा से समझना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप देख लीजिएगा. ओके, तो मेंडल का जो वर्क था वो 1900 तक बिल्कुल अनरिकॉग्नाइज रहा था. तीन साइंटिस्ट अपने अपने प्लांट पर वर्क कर रहे थे, शर्मेक, ह्यूगो डे वेरिस एंड कोरेन. इन्होंने मेंडल के वर्क को समझा, जाना, और इन्होंने फिर वर्ल्ड को बताया इनकी क्या रिसर्च थी और इन्हें अपने वर्क के लिए पहचान मिलनी चाहिए. इन तीनों साइंटिस्ट ने बोला कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलना चाहिए, ठीक है. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, माइक्रोस्कोप आ गए, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के आ गए, और साइंटिस्ट ने फिर स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू कर दिया, सेल्स को देखना शुरू कर दिया कि कैसे डिवाइड होती हैं, क्या होता है. तो वॉल्टर सेटन ने जो है क्रोमोसोम का बिहेवियर को स्टडी करा था कि सेल डिवीजन के दौरान वो कैसे डिवाइड होते हैं, मतलब कैसे बिहेव करते हैं. तो इसी थ्योरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आइए समझते हैं सेटन एंड बावरी की थ्योरी को. ओके, जो 1902 में दी थी उन्होंने. ये देखिए, ये सेल है, सेल के अंदर हमें क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं. फिलहाल जो इनका प्लॉइडी लेवल है वो कितना है, 2n है, ठीक है. मियोसिस हो रहा है यहाँ पे. मियोसिस आपको पता है ना, मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू होता है, ठीक है. वन में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, 2n से n हो जाता है, और सेकंड में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन. ओके, तो मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम, तो अभी रैंडमली ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ पे, अभी तो फिलहाल रैंडमली ऐसे ही हैं यहाँ पर, कोई अरेंजमेंट नहीं है. लेकिन जैसे जैसे मेटाफेस आई, मेटाफेस में क्या है, क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, ठीक है, तो उनके अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है. एक तो पॉसिबिलिटी वन में क्या है, जो ये ब्लू वाला लॉन्ग वाला दिख रहा है ना आपको क्रोमोसोम, और ये शॉर्ट वाला, ये एक साइड आ जाएंगे, और जो रेड वाला लॉन्ग है और शॉर्ट वाला, ये एक साइड आ जाएंगे, ठीक है. इनका अरेंजमेंट देख रहे हो आप, अलाइनमेंट बिल्कुल सेम सेम है, ब्लू वाले के साथ आ गया और रेड वाला रेड वाला. फिर मियोसिस वन हुआ, मतलब रिडक्शनल डिवीजन, 2n से क्या हो गया, ये एन एन हो गया यहाँ पे, ठीक है. फिर जो ब्लू, एक सेल के पास तो सारे ब्लू वाले आ गए, और एक सेल के पास क्या आ गए, सारे रेड वाले क्रोमोसोम आ गए. ओके, फिर दोबारा से मियोसिस टू हुआ, जो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब प्लॉइडी लेवल सेम ही रहेगा, ठीक है. तो ये ब्लू वाले से सारे ब्लू वाले सेल्स बने और रेड वाले से रेड वाले बने. ओके, अंडरस्टैंड. तो ये आइडेंटिकल जर्म सेल्स बन गए. अब सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या हुआ, अरेंजमेंट में, मेटाफेज में, यहाँ पर एक लॉन्ग तो रेड आ गया और एक शॉर्ट ब्लू आ गया, ठीक है. इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है. इन पॉसिबिलिटी सेकंड, लॉन्ग ब्लू क्रोमोसोम एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम आर सेग्रीगेटेड टुगेदर, वाइल रेड एंड शॉर्ट ब्लू आर सेग्रीगेटेड टुगेदर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल. फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 2n से ये n बने. तो एक सेल के पास ब्लू वाला क्रोमोसोम था लॉन्ग और शॉर्ट वाला रेड, दूसरी सेल के पास क्या था, लॉन्ग वाला रेड और शॉर्ट वाला ब्लू. फिर ये मियोसिस सेकंड हुआ, माइटोसिस लाइक, प्लॉइडी लेवल वही रहेगा, एन एन बन गई ये यहाँ पे जाके दोबारा से,
ठीक है, आइडेंटिकल जर्म सेल। तो मतलब आप इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी में इन्होंने यही समझाया, जो क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट है, वो उसी टाइम पे मतलब डिसाइड हो जाता है, इंडिपेंडेंटली असोर्ट करता है। मेंडल भी यही बता रहे थे कि जो जीन्स है इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं, वो जीन्स नहीं करते, वो एक्चुअली क्रोमोसोम करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है वो कैसे अलाइन हुए हैं मेटाफेज के टाइम पर। ओके, तो ये तो था क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी बिलीव करती है जो क्रोमोसोम होते हैं वो व्हीकल्स होते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी। मेंडल बार बार फैक्टर्स बोला था, मेंडेलियन फैक्टर्स एग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं, वो फैक्टर्स नहीं थे, वो एक्चुअली क्रोमोसोम थे। ये क्रोमोसोमल थ्योरी याद रखना किसने दी थी, सुटन एंड बोवेरी ने दी थी 1902 में। इन्होंने क्लोज रिलेशनशिप फाइंड आउट करी क्रोमोसोम के बिहेवियर में और मेंडल के फैक्टर्स में। मियोसिस के टाइम पर भी क्रोमोसोम ऐसे ही बिहेव करते हैं जो मेंडल ने एक्चुअली समझाया था अपने इंडिपेंडेंटली असोर्टमेंट में। सो क्रोमोसोम ही मेंडल के फैक्टर्स के कैरियर हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं ना कि जीन, जो असोर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और रिकम्बाइन कर देते हैं जाइगोट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट आई गेट द मोटिवेशन। आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज स्टडी हार्ड।